हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कर्ल ड्रॉ में पेन टूल से कैसे क्रिएटिव बनाया जाता है। पहले हमें फाइल में जाके न्यू पेज लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, हमने कुछ क्रिएटिव पहले से रख रखा है इमेज नेट से निकाल के। इसको राइट क्लिक करके इसको हम लॉक कर देंगे। फिर हम लेंगे पेन टूल, पेन टूल से इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अल्ट के साथ हमें क्लिक करना है। हमको इसको सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना है, तो हम सिंगल सिंगल लेयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे यहाँ शेप टूल, इसको हम डबल क्लिक करके डिलीट कर देंगे। देखो गाइस, यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इसको मैंने लॉक कर लिया। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो लाइन थी वो हट गई वहाँ से। फिर हम दोबारा लेंगे पेन टूल, तो हम इस वाले लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस वाले नीचे वाले लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर अल्ट के साथ हमने क्लिक किया, फिर इसको हमने कर्व कर दिया। यहाँ आपको माउस को क्लिक करके छोड़ना नहीं है, माउस के साथ ही इसको हमें कर्व करना है। कई बार क्या होता है कि हम माउस को क्लिक करके छोड़ देते हैं, जो हमारी फाइल वहाँ से कर्व नहीं हो पाती है। फिर देखो, यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्लिक करेंगे, हल्का जो कर्व कर देंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे अल्ट के साथ क्लिक, फिर इसको यहाँ से हम राउंड कर दिए। फिर यहाँ पर हमने किया अल्ट के साथ क्लिक, फिर यहाँ पर इसको हमने कर्व कर लिया। हमें उस लाइन पर टच नहीं करना, उसके बाहरी में सेलेक्ट करना है। और हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, हमें बिल्कुल लाइन टू लाइन टच नहीं करना है। अगर हम जो पहले हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखा है, अगर उसको हम लाइन पर टच करोगे तो वहाँ से वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमें अलग अलग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है, जो भी हम डॉट पे हमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें अल्ट के साथ उस पर क्लिक करना होगा। देख कर्व किया, अब मुझे यहाँ पे मैंने अल्ट के साथ क्लिक किया, फिर से यहाँ से कर्व कर लेंगे। हमें सबसे बेस्ट पेन टूल चलाना अगर आ गया तो सोच लो हम कोई भी लाइन और कोई भी डिजाइन हम आराम से बना सकते हैं कर्ल ड्रॉ में। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको हल्का सा राउंड कर देंगे यहाँ पे। फिर अल्ट के साथ हमें क्लिक करना है। तो हमारे जितने भी लाइन थे सब हंड्रेड हो चुके हैं। फिर इसको उठाकर हम साइड में ले आएंगे। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक करके डिलीट कर देंगे। फिर शिफ्ट के साथ जो भी साइज है वो हम शिफ्ट के साथ करेंगे। फिर हम यहाँ से लेंगे शिफ्ट टूल, फिर सबको टच कर लेंगे लाइन टू लाइन। इस पर हम कलर फिल कर लेंगे येलो। इसको भी हम लाइन के बिल्कुल टच कर लेंगे। इसको हल्का बाहर ले लेंगे सेलेक्ट करके, डबल क्लिक करेंगे इस पर, देखिए वहाँ से वो डिलीट हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक किया, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। फिर यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, कर्व टू कर्व कर देंगे इसको हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कर्व का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप कर्व कर दोगे इसको। फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर इसको हमने कर्व कर दिया।
फिर हम यहाँ लेंगे जिसको हल्का स्कोप पर ले जाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा आउट, देखिए यहाँ से हम लेंगे सर्कल छोटा सा, शिफ्ट के साथ नहीं तो कंट्रोल के साथ सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। इस पर हम डालेंगे ग्रेडियंट, हमें लाइट रखा और डार्क रखा है, इस पर भी डालेंगे ग्रेडियंट, इसमें थोड़ा डार्क और हल्का सा लाइट। अब इसमें भी हमें डालना है ग्रेडियंट, तो फिर से लेंगे ग्रेडियंट लेंगे हम, नीचे हमने रखा डार्क, ऊपर रखा हमने लाइट। अब इसमें भी डालना हमें ग्रेडियंट, तो फिर से लेंगे यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे, तो हमने ऊपर लाइट और नीचे में डार्क। अब इसमें भी डालना है तो सेम करेंगे, इस पर यहाँ पर हमने ग्रीन रखा है, फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर हमने रखा डार्क ऑरेंज, यहाँ पर रखा डार्क रेड और नीचे रखा डार्क ऑरेंज। या गाइस आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल करना हो तो वो फिल कर सकते हो आप। अब देखिए हमारी लाइन नहीं दिख रही है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज अप कर देंगे, या सिर्फ पेज अप करोगे तो वहाँ से पेज अप हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे ग्रेडियंट डालेंगे, हमने ऊपर में रखा है थोड़ा लाइट और नीचे में डार्क, और उसके आउटलाइन को वहाँ से हमने हटा दिया है। फिर हम लेंगे शेप टूल, इसको ठीक कर लेंगे, या इसमें आप सिंगल कलर भी डाल सकते हो जो आपको डालना हो। तो हमने ऊपर में लाइट रखा है और नीचे में थोड़ा डार्क रखा है हमने, फिर वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो भी इसकी आउटलाइन होगी वो रिमूव हो जाएगी, इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे शिफ्ट के साथ। तो गाइस देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, पर थोड़ा जो भी इनका शेप आपको लगे थोड़ा कर्व नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से। देखिए यहाँ भी सेट नहीं है हमारा, तो हम शेप टूल से लेंगे और इसको साथ ठीक कर देंगे यहाँ से हम। यहाँ पर हम सेलेक्ट किया और इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हो। दोनों को सेलेक्ट करते क्या हुआ, जो ग्रेडियंट थी वो दोनों में सेम आ गया। हमें आउटलाइन देना है, पहले आउटलाइन में जाकर हम राइट क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर फिल करना हो, फिर यहाँ पे हम थिकनेस चेंज कर देंगे, फिर हमें जाना है कन्वर्ट टू कर्व में। अब इसमें क्या है, इसमें हम जो आउटलाइन में जो हमें कलर फिल करना हो सिर्फ उसी में कलर फिल होगा वो, तो जहाँ हमारा लाइट था वहाँ पे हमने डार्क कर दिया और जहाँ डार्क था वहाँ हमने लाइट दे दिया। अब इस पर हम सेम करेंगे, तो मैंने शॉर्ट की यूज किया है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करोगे तो शॉर्ट की होता ही है कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो उसके हेल्प से भी आप कर सकते हो। हम लोग इसमें भी डालना है, तो पहले यहाँ पे मैं आउटलाइन में कलर फिल कर दिया है, आउटलाइन जो थिकनेस रखनी है वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
एक बार तो आपको दोबारा जाके दिखा दिया मैंने, या आप शॉर्ट की से भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। फिर हमें लेना है ग्रेडियंट, जो भी आपको कलर फिल करना हो वो आप उसको अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर हम लाइट ही रखेंगे इसका जो आउटलाइन है। थोड़ा डार्क रखा हमने इसको, और यहाँ से आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो आप। फिर हमें इसमें भी डालना आउटलाइन, फिर हम राइट क्लिक करके आउटलाइन पिक कर लेंगे। फिर हमें जाना है इसके थिकनेस, जो भी आपका आउटलाइन का साइज रखना हो, फिर हमें जाए अरेंज में कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे, या आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ भी कर सकते हो आप। फिर हम यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट, इस पर हम ग्रेडियंट फिल कर देंगे। तो हमें रखा है जहाँ पे डार्क तो वहाँ लाइट रखा है, और ऊपर में हल्का सा हमने लाइट रखा है, तो यहाँ पर आप डार्क कर सकते हो। इसको हल्का सा अलाइनमेंट सेट कर लेंगे यहाँ पे। हमें इस वाले में डालना है तो पहले हम आउटलाइन से कलर फिल कर लेंगे, इस पर यहाँ पे थिकनेस रख देंगे जो भी आपको रखना हो आउटलाइन का। फिर हमें जाना है अरेंज में, तो यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन, या कंट्रोल शिफ्ट क्यू से भी आप कर्व कर सकते हो इसको आउटलाइन के में कलर डालने के लिए। जो आप आउटलाइन में कलर डालना हो तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू करोगे तो उसमें जो आपका आउटलाइन होगा आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने फीचर को सेट कर लेंगे, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पर हमने लाइट लिया है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर हमने हल्का सा डार्क लिया है। फिर यहाँ पर हम जाके कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चेंज करना हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। इसमें भी सेम करेंगे, हम लाइट लेंगे हल्का सा, इसमें भी सेम करेंगे हम, इसमें हम हल्का सा लाइट लेंगे। फिर उसको ऑल सेलेक्ट और ग्रुप, या आप कंट्रोल ए से भी ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो। फिर हमें पी दबा देना है तो वो सेंटर हो जाएगा। फिर डबल क्लिक करना है, एक बॉक्स बन जाएगा पेज के साइज़ का। फिर हमें लेना है ग्रेडियंट, हमने ऊपर में लाइट लिया है और नीचे में डार्क लिया हमने। हमें नीचे रखेंगे लाइट और ऊपर में डार्क। तो गाइस देखिए, इतना हमारा बन के रेडी हो चुका है। या प्रॉपर ब्लैक करना चाहो तो प्रॉपर ब्लैक भी कर सकते हो आप बैकग्राउंड। को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, या आप कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हो। अगर इसमें आपको शैडो डालना हो तो आप शैडो भी डाल सकते हो, अगर नहीं डालना हो तो आप जैसे था वह ठीक था। तो इसमें मैं वाइट कलर का शैडो डालूंगा ग्लो इससे, और इसको हम जो नॉर्मल कर देंगे, जो मल्टीपल होता है उसको हम कर देंगे नॉर्मल। और यहाँ पर हम जो थिकनेस होगी वो हम रख लेंगे, यहाँ पर जो ब्राइटनेस रखनी है हम वो रख लेंगे।
जितना भी आपको ब्राइटनेस रखना हो आप वो रख सकते हो। आपको जो भी शैडो का जो कलर है वो चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो गाइज़ देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है ये। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।